नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ऐसा है जो हर एक सिविल इंजीनियर जो साइट पे जॉब करता है उसे आना चाहिए, ये उसके बहुत हेल्प होगी। तो आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज डीपीआर। डीपीआर क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे? तो मैंने यहाँ मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रखा है। इसका फुल फॉर्म देखे तो होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसा कि फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ये डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता है, यानी डे टू डे एक्टिविटी का डॉक्यूमेंटेशन है ये, कि पिछले दिन कितना काम हुआ, आज कितना काम हुआ और कल का प्लान कितना कर रहे हैं, ये ओवरऑल रिकॉर्ड बताता है। इस चीज को जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसे डीपीआर कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका डे टू डे एक्टिविटी का अपडेट रहेगा कि पिछले दिन हमने क्या क्या काम किया। फिर लेबर डिटेल्स रहेगा कि 10 लोग आए थे, 20 लोग आए थे, जो भी आया था, सरिया वाला कितना था, मिस्त्री कितना था, वो ब्रेकडाउन होगा, तो वो लेबर डिटेल रहेगा। और फिर आपका मटेरियल का रिकॉर्ड रहेगा, कितना सीमेंट यूज हुआ, कितना ब्रिक्स यूज हुआ, स्टील, जो भी रिकॉर्ड है वो हम पूरे को एक एक्सेल शीट में डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको एक डीपीआर बना के दिखाऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में 2 दिन का डीपीआर बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे टॉप पोर्शन में हम डीपीआर का नाम लिखेंगे, कहाँ का है, किस साइट का, वो मेंशन करेंगे। तो मान लो मेरे केस में ये फैक्ट्री का था तो फैक्ट्री लिख लिया। आपके केस में ये मान लो कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो आप लिख दो हाउसिंग, दिल्ली का प्रोजेक्ट है तो आपने दिल्ली लिख दिया, ताकि आपको किसी को भी देख के आइडिया लग जाए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट था। उसके बाद आपका कोई क्लाइंट है तो आप क्लाइंट का नाम लिखोगे। यहाँ जैसे देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग टोटल कॉन्सेप्ट मेरा क्लाइंट है। और पीएमसी कौन है तो पीएमसी है सिविल इंजीनियरिंग .tc, तो मैंने उसका नाम लिख रखा है। अब कॉन्ट्रेक्टर देखेंगे तो कॉन्ट्रेक्टर कौन है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। तो इस केस में कॉन्ट्रेक्टर है सिविल इंजीनियरिंग टोटल कॉन्सेप्ट, तो मैंने वो लिख रखा है। तो ये जानकारी थी कि आपका क्लाइंट कौन है, पीएमसी कौन है और कॉन्ट्रेक्टर कौन है। ये तीनों जानकारी आपको इस पोर्शन में भर सकते हो। उसके बाद दूसरा हम इधर भरेंगे कि ये डीपीआर किस दिन के लिए बनाया हमने। तो मान लो ये 20 तारीख का बना है, 20 जनवरी 2022 के लिए मैंने बनाया है। मैं आपको 2 दिन का बना के दिखाऊंगा, एक 20 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022। मैं पुराना डेटा सब डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या हमें करना है। क्लियर आइडिया लगने के लिए मैंने हटा दिया। तो इसमें हमारे जो जो कॉलम्स और रोज होंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे हम कि कौन सा सीरियल नंबर का एक्टिविटी है। सीरियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्टिविटीज के बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम एक यूनिट का कॉलम बनाएंगे, फिर टोटल क्वांटिटी क्या है स्कोप का वो लिखेंगे, और फिर हम उस पार्टिकुलर डे का एक्टिविटी के बारे में लिखेंगे। तो प्लान्ड कितना किया था हमने, उस प्लानिंग में से हमने अचीव कितना कर लिया और वो अचीव का परसेंटेज कितना हुआ वो लिखेंगे। ये मान लो मैं पिछले दिन का बताऊंगा तो वो अपडेट यहाँ आएगा, और अगले दिन के लिए मैं कितना प्लान कर रहा हूँ वो मैं यहाँ लिखूंगा, और क्यूमुलेटिव में अभी तक हमने कितना काम कर लिया वो डेटा यहाँ अपडेट करेंगे, और ओवरऑल कितना कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट का ये वर्क वो यहाँ अपडेट होगा। उसके बाद इतना इन्फॉर्मेशन के अलावा हम डीपीआर में भरेंगे कि मैन पावर कितना आपके साइट पे, मैन पावर का अपडेट देंगे। उसके बाद फिर हम मटेरियल का अपडेट देंगे कि सीमेंट कितना है, स्टील कितना है, कितना लग गया, कितना खर्च हुआ, वो हम इस पार्ट में देंगे। उसके बाद आप साइट का पिक्चर्स लगा सकते हो। तो पुराना डेटा मैं डिलीट कर देता हूं जो भी है, ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। ऐसे इनसे हमें कोई जरूरत नहीं है तो ये रह भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। चलो फिर भी मैं इसे डिलीट कर देता हूं। हाँ, तो आइए मैं आपको 2 दिन का भी डेटा इनपुट करके दिखाता हूँ। हाँ, फिर हम और चीजें जो मेंशन करेंगे, एक तो वर्किंग टाइम कि साइट हमारी कितने बजे से कितने बजे तक वर्क करती है। जैसे नॉर्मली साइट 8:30 बजे सुबह से शाम 7:30 बजे तक चलती है, तो वो लिख देंगे ताकि क्लाइंट को आपका आइडिया लगेगा कि आप साइट पे कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हो। फिर हम लिखेंगे वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन कैसा था, सनी था, रेनी था या जो भी था। इसका पर्पस ये होता है, सपोज दैट किसी दिन बारिश हो गया तो वो क्लाइंट को पता रहे कि आज अच्छा ठीक है बारिश हुआ है तो डिले हो सकता है प्रोजेक्ट, एक दिन काम बंद रहा, तो इसका पर्पस ये है।
अब मैं आपको क्वांटिटीज अपडेट करके दिखाता हूँ। तो कोई भी साइट का जो नॉर्मल एक्टिविटीज होता है, जो एकदम स्टार्टिंग में आता है, वो हम एक्सकेवेशन से शुरू करते हैं। एक्सकेवेशन करते हैं, फिर फुटिंग पीसीसी करते हैं, फिर सरिया बांधते हैं, फिर कंक्रीटिंग करते हैं। ये मैं डिलीट करके आपको, हाँ, ये चार एक्टिविटीज का हम एग्जाम्पल देखेंगे, 1 to 4 का नंबरिंग। तो सबका यूनिट मैंने अलग अलग ले रखा है। देखो, एक्सकेवेशन के लिए मैंने क्यूबिक मीटर में ले रखा है, पीसीसी भी हम क्यूबिक मीटर में ले लेते हैं, और सरिया मेट्रिक टन में ले लेते हैं, और ये कंक्रीट भी क्यूबिक मीटर में ले लिया हमने। तो मान लो मेरे प्रोजेक्ट में टोटल जो एक्सकेवेशन होना है वो 1000 क्यूबिक मीटर होना है, और पीसीसी मान लो हमारा 500 तो ज्यादा हो, 200 क्यूबिक मीटर लेना। ये रैंडम डेटा है, तो आप क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, मैं बस आपको समझाने के लिए नंबर्स ले रहा हूँ। उसके बाद सरिया मान लो 3 टन बांधना है ओवरऑल, तो 3 टन ले लिया, और कंक्रीट अपने को 450 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करना है। तो ये टोटल क्वांटिटी है स्कोप में, और ये, या फिर इसे हम केजी कर देता हूं मैं, मेट्रिक टन ही होता है, पर अभी समझने में आसानी होगा इसलिए मैंने केजी कर दिया। तो मान लो ये 3000 केजी क्वांटिटी है सरिया का। तो मान लो जब मैं 20 तारीख का डीपीआर अपडेट करूंगा, यहाँ देखो 20 मेंशन है, तो 19वें तारीख को यहाँ पे पहले से प्लान रहेगा कि कितना करना था। तो मान लो 19 तारीख का प्लान मैं बताऊं, तो यहाँ से मान लो कि मुझे 100 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन करना था, 50 क्यूबिक मीटर पीसीसी, 300 सरिया बांधना था 300 केजी, और ये कुछ भी नहीं करना था। चलो इसे 25 पकड़ लेते हैं कि एक फुटिंग 25 क्यूबिक मीटर का कास्टिंग करना था। ये 19 तारीख का प्लानिंग है, ठीक है। अब हम 20 तारीख का जब डीपीआर भरेंगे तब देखेंगे कि प्लान्ड कितना था। तो ये प्लान्ड वाला जो डेटा है ये यहाँ आ जाएगा, जो हम 19 तारीख को हमने प्लान किया 20 तारीख के लिए, वो डेटा यहाँ आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे 100 हो जाएगा कि हमने 19 तारीख को 100 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन का प्लान बनाया था। 100 में से कितना अचीव हुआ, मान लो 100 में से हमने 95 ही कर पाया, कम रह गया अपने टारगेट से, तब इसका परसेंटेज निकाल देंगे कि हमने कितना अचीव किया। तो इसका फॉर्मूला आप एक बार लगा दो, दिस बाय दिस इनटू 100, तो 95% हमने टारगेट अचीव कर लिया। 100 का प्लान बनाया था, 95 हुआ, तो परसेंटेज 95 हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें कितना करना है, मतलब ये अगर 20 तारीख का डीपीआर है, 21 तारीख को हम कितना काम करेंगे वो अब फिर से आप अपडेट करोगे। तो यहाँ पे मान लो हम नेक्स्ट डे के लिए मैं 350 का प्लान कर रहा हूँ कि ये 350 करूंगा, और ओवरऑल बताऊं तो अभी तक कितना हो गया, तो अभी तक ये 95 हमने कर लिया है। तो यहाँ पे 95 कर देंगे। चलो इसे फॉर्मूला लगा के लिखता हूँ, 95 कर देंगे इसे, 95 अभी तक ओवरऑल हो गया, और पूरे परसेंटेज देखें हम कि कितना कंप्लीशन हुआ, तो वो हो जाएगा क्यूमुलेटिव अभी कितना है बाय टोटल प्लान्ड कितना था, 1000 × 100, मतलब अभी 9.5% हुआ है अपना ओवरऑल प्रोजेक्ट। अब पीसीसी का देखें, तो पीसीसी में हमने प्लान किया था 50, ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, 50 में मान लो हमने 65 अचीव कर लिया, तो परसेंटेज कितना होगा, इसके लिए सिंपली जब मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा दिया तो इसे स्लाइड करना है बस, फिर आ जाएगा। मतलब मैंने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया, मैंने 130% अचीव कर लिया, क्यूमुलेटिव में हो गया अपना वही 65, और फिर ये यहाँ भी मैंने फॉर्मूला लगाया था, आप स्लाइड करके परसेंटेज निकाल सकते हो, मतलब ओवरऑल मैंने 32% काम कर लिया है। मैं दो ही का लेके बताता हूं ताकि वीडियो लंबा ना जाए। ये अपना 20 तारीख का अपडेट अभी तक मैं आपको दे रहा हूं, अब लेबर अपडेट कर देता हूं। तो 20 तारीख को मान लो अपना 20 तारीख को 4 5 मिस्त्री आया था, 3 कारपेंटर आए थे, 2 सरिये वाले आए थे, और 12 हेल्पर आए थे।
तो ये ओवरऑल मैंने यहाँ देखो 22 ऐड कर दिया। अब मटेरियल का देखते हैं, तो मटेरियल में हम अपडेट देंगे कि अभी तक कितना आ गया और कितना हमने यूज किया। मान लो कि साइट पे अपने 200 बोरे सीमेंट अभी तक आए हैं और 1800 केजी सरिया आ चुका है। ये ओवरऑल अभी तक आ चुका है, पिछले दिन तक इतना मटेरियल आ गया, रिसीव्ड टिल प्रीवियस डे। ये था ओवरऑल। अब 20 बोरे अभी तक 200 बोरे आ चुके हैं, हमने कितना यूज किया पिछले दिन। वो मान लो 20 तारीख को कितना हमने यूज किया, वो यहाँ लिखेंगे। 20 तारीख को मैंने 25 बोरे यूज किए, तो अब स्टॉक में कितना बचा, 175। मैंने फॉर्मूला लगा रखा है दिस माइनस दिस, तो ये अपडेट हो गया। उसी तरह फिर आप यहाँ पे अपडेट करके लिख सकते हो कि यहाँ पे कितना लगा। तो सरिये मान लो पिछले दिन हमने 350 केजी सरिये खत्म किए, तो इस पे आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो तो आ जाएगा, मतलब 1450 केजी अभी है स्टॉक में अपना। ये मैंने मटेरियल अपडेट आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पे मैं साइट के पिक्चर्स भी लगा दूंगा ताकि जो भी देख रहा है डीपीआर उसको सारा अपडेट मिल जाए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब जल्दी से मैं नेक्स्ट डे के लिए भी अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने जैसे बोला था 2 दिन के लिए करेंगे, तो फिर अब 21 तारीख के लिए करेंगे तो ऊपर सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बस तारीख बदल देंगे। ये कितने तारीख का डीपीआर है, 21 तारीख का है, मैंने यहाँ पे 21 कर दिया। और मौसम मान लो सेम है, सनी डे है या रेनी है, मान लो आज है सनी डे तो मैंने इसे सनी कर दिया। अब इसे मैं बदलेंगे, अब यहाँ पे जो ये प्लान्ड वाला पार्ट है यहाँ पे हम ये लिखेंगे पिछले दिन कितना प्लान हुआ था। तो पिछले दिन यहाँ से ये डेटा उठा के कॉपी कर दो, ये हमने प्लान किया था। यहाँ 350 किया था एक्सकेविशन में और पीसीसी में 50 किया था, तो 350 में कितना हमने कर लिया, 350 में हमने 400 कर लिया, मतलब जितना प्लान किया था उससे ज्यादा हो गया, मतलब 114% हो गया। देखो एक बार फॉर्मूला लगाया खुद चेंज हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 95 पहले से था और इसमें हम और ऐड कर देंगे 400, मतलब 495 खत्म कर दिया हमने। ओवर देखो परसेंटेज भी चेंज हो गया कि 1000 में से 495 हुआ, यानी 49% कंप्लीट हो गया। अब 50 पीसीसी का हमने प्लान बनाया था, ये हम पूरा नहीं कर पाए, ये 50 में हमने 45 ही अचीव किया, यानी 90% टारगेट अचीव हुआ। और नेक्स्ट डे के लिए हम 400 का प्लान करते हैं और ये 80 का, जैसे इसमें हम डिले हो गए तो ये बढ़ा के प्लान कर सकते हैं 80 का। अब ओवरऑल कितना हो गया, 65 प्लस 45, ये 55% खत्म हो गया। अब देखो इससे आपको सारा अपडेट मिल रहा है, कौन काम कितना परसेंट हो गया, कितना ओवरऑल हो गया, ये आपको अपडेट मिलेगा डीपीआर के थ्रू। अब फिर से मैन पावर अपडेट करें तो सेम आया था, सरिया मिस्त्री उतना ही था, कारपेंटर उतना ही था, सरिया वाला हमने बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया। ओवरऑल देखो अब ये 23 हो गया, ये लेबर मान लो 10 हो गए, तो ये नंबर्स आज 21 आए हैं टोटल, ये आइडिया लग गया। अब मटेरियल फिर देखो कि 25, अब पिछले दिन मैंने फिर से 30 बोरे यूज किए, तो अब ये क्यूमुलेटिव में से घट जाएगा। अब देखो अपने पास 170 बोरे ही हैं, और फिर ये, अच्छा सॉरी, 170 पहले बचे थे तो ये डेटा हम यहाँ भर देंगे ताकि 170 में से 30 यूज हुए हैं, 170 बचे थे, 170 में हमने 30 यूज कर लिए तो 140 बचा। अब हमारे पास स्टॉक में 1450 था, तो यहाँ हम 1450 कर देंगे। अगर जो कोई नया आएगा तो फिर इसी में ऐड करते चले जाएंगे, नहीं तो एज इट इज स्टॉक वाला आ जाएगा। अब 350 पिछला दिन यूज किया था, नहीं सपोज दैट 400 यूज किया मैंने पिछला दिन, तो 400 कर देता हूँ तो स्टॉक यहाँ पे बदल गया, तो आपको ये भी अपडेट सारा मिलते जाएगा। आपको ये वीडियो ठीक लगा हो या डीपीआर से रिलेटेड कुछ और भी जानना हो तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको साइट पे बहुत हेल्प करेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करो जो साइट पे जॉब करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।